अणुवर्थ को जहां तक मैंने समझा है उसके अनुसार आत्मशुद्धि का मार्ग है अणुवर्थ। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है। उसी शरीर का अणु अणु आत्मा के भाव से सुंदर जीवन जीने और सुंदर जीवन जीने की संकल्पना करे, इससे बेटर क्या हो सकता है। अणुवर्थ हमेशा हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाता है। अणुवर्थ की संकल्पना मात्र से ऐसी चेतना का संचार होता है जिसमें हम ना तो प्राणी का वध करेंगे और ना ही वध करने के लिए प्रेरित करेंगे। अणुवर्थ हमें सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को सिखाता है, व्यवसाय में प्रामाणिकता कैसे रखें वो सिखाता है और पर्यावरण चेतना के प्रति जागृत करता है। अणुवर्थ की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने भीतर एक व्यापकता लिए हुए है। अणुवर्थ किसी संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, ये तो एक पूरे मानव समाज के लिए है। अणुवर्थ स्वाभाविक जीवन जीने की क्रिया है। अणुवर्थ कृत्रिमता को मिटाने की प्रक्रिया है। अणुवर्थ और कुछ भी नहीं, बहकती दुनिया में मानव को मानव बनाने की दिनचर्या है। अणुवर्थ विद्यार्थियों के लिए विशेष क्यों है? क्योंकि विद्यार्थियों को सुंदर जीवन जीने की परिकल्पना उसका परिवारजन, समाजजन और राष्ट्रजन ही कर सकता है। क्योंकि विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं, विद्यार्थी भविष्य के कर्णधार होते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों में रचनात्मकता व सकारात्मकता के विकास को केंद्र में रखकर अणुवर्थ आंदोलन की प्रतिनिधि संस्थान अणुवर्थ विश्व भारती द्वारा पूरे देश में अणुवर्थ क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट के नाम से विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिंगिंग, ड्राइंग, स्पीच, ऐसी और पोयम जैसी विभिन्न प्रतियोगिता 3 वर्गों में बच्चों भाग ले सकते हैं। 3री से 5वीं कक्षा को ग्रुप ए में, 6री से 8वीं कक्षा को ग्रुप बी में व 9वीं से 12वीं कक्षा को ग्रुप सी में विभाजित किया गया है। ये प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है। शहर, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रतिभागियों को चुना जाएगा। प्रतियोगिता का मुख्य विषय कोरोना वैश्विक संकट प्रभाव समाधान और अवसर पर रखा गया है। इसमें से कुछ प्रतियोगिताएं पिछले 25 वर्षों से करवाई जा रही है। स्पीच और पोएम कंपटीशन का पहली बार आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता पूर्णतः ऑनलाइन आयोजित होगी, जिसमें बच्चा अपने स्कूल के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है या अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाकर अपलोड कर सकता है। मैं अणुवर्थ विश्व भारती के अध्यक्ष श्री संजय जी जैन और उनकी टीम को मैं हृदय के आंतरिक आलिंग से विशेष साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने अणुवर्थ की गूंज को गुंजायमान किया और विद्यार्थियों को एक विशेष प्लेटफॉर्म दिया। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध कि इस अणुवर्थ क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा भाग लेवें। ओम आराम।